तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में एक टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। राइट, आपको पता है कि अगर आपने अपने टास्क को ट्रैक करना है तो आपको एक टू डू लिस्ट चाहिए होती है। राइट, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंपल वे में हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, और एक बेसिक एचटीएमएल मैंने यहाँ पे लगा दिया होगा। राइट, मैं एक इनपुट टैग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक आईडी यहाँ पे लगा देते हैं। मे बी नाम दे देते हैं इसका टास्क, कोई भी नाम आप दे सकते हो, आप पे डिपेंड है। एक बटन लगाते हैं यहाँ पे, इसमें आईडी दे देते हैं बीटी। राइट, एड अ न्यू टास्क, एक हम स्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग, और एक लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं। बेसिकली लिस्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है? तो आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, राइट? तो हम कुछ लिस्ट आइटम्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहे हैं, जो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। 3, 4, 5, राइट। तो इस लिस्ट में भी हम एक आईडी दे देते हैं, ताकि हम इसको टारगेट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। राइट, तो हम इसकी आईडी का नाम दे देते हैं टास्क लिस्ट। ओके, अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं। पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं, ओपन विद द लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके ओपन विद द लाइव सर्वर, ठीक है? तो अभी फिलहाल हमें ये चीज शो हो रही है। राइट, तो हम सबसे पहले तो टारगेट करेंगे बटन को। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, कोई भी नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे। ELBTN डॉट ऑन क्लिक, इवेंट हैंडलर यूज कर रहे हैं, और हम एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अलर्ट करके चेक कर लेते हैं, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम क्लिक कर रहे हैं तो अलर्ट यहाँ पे हमें शो कर रहा है। राइट, सो हम चाहते हैं कि जब हम कुछ टाइप करें टेक्स्ट में यहाँ पे, और हम इसमें क्लिक करें यहाँ पे, तो ये जो भी टेक्स्ट है ये यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है? ये चीज हमें चाहिए। तो हम क्रिएट एलिमेंट यूज करेंगे, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आपको फंक्शन मिलता है, ठीक है? सो क्या करना है आपने, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में हम चाहते हैं कि हमने लिस्ट आइटम यहाँ पे ऐड कर लिया। हम लिस्ट आइटम यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट आइटम्स। राइट, तो हमने यूएल के बीच में इसको ऐड करना है लास्ट में, तो आपको LI को ही ऐड करना पड़ेगा इसके बीच, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक टेक्स्ट नोट भी ऐड करेंगे, EL टास्क टेक्स्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट। आप इसके अलावा इनर एचटीएमएल भी यूज कर सकते हो, पर वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक का इशू होता है, तो उसको हम यूज नहीं करते, ठीक है? तो इसलिए हम क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड हम यूज कर रहे हैं, जो कि क्लाइंट साइड अटैक से सिक्योर्ड है, ठीक है? तो चलो, अब हम चाहते हैं कि जो हमने जो यूजर ने इनपुट में टाइप किया हो वो चीज निकल आए। राइट, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, लेट इनपुट टास्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं, जो टास्क है आईडी, यानी हम इसको टारगेट कर रहे हैं, इस केस में इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहां पे लगा देंगे इनपुट टास्क, जो इनपुट से आ रहा है, और उसकी वैल्यू, जो वैल्यू में आ रहा है उसकी, यानी आप कुछ भी यहां पे टाइप करोगे तो वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या होता है, जो आपने टाइप किया होता है। राइट, तो जो आपने टाइप किया होगा इनपुट के अंदर, वो यहां पे टेक्स्ट नोड में डाल देगा उसको। तो इसके बाद आपने करना है EL टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड फंक्शन। तो हम चाहते हैं कि जो EL टास्क टेक्स्ट है, जो बेसिकली आपके टेक्स्ट नोड है, वो आपने ऐड करनी है एज अ चाइल्ड EL टास्क के अंदर, यानी LI के अंदर। तो मैं LI के अंदर बेसिकली टेक्स्ट को डालना है, ये मतलब है इसका, ठीक है? तो EL टास्क टेक्स्ट ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसके बाद आपने UL के अंदर LI को ऐड करना है लास्ट में, तो आप क्या करोगे, आपको बेसिकली टास्क लिस्ट को भी टारगेट करना पड़ेगा। राइट,
तो हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसको भी टारगेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, टास्क लिस्ट। और ये जो टास्क लिस्ट है, इसमें अपेंड चाइल्ड करेंगे अगेन, और हमने ई एल टास्क को इसमें ऐड कर, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्लिक करा हमने, देखो ये ऐड हो गया है यहाँ से, कुछ भी हम ऐड करेंगे, सम न्यू टेक्स्ट चेक करेंगे दोबारा, तो ये चीज ऐड हो रही है यहाँ पे। ओके, सो लास्टली हम चाहते हैं कि जब हम ऐड कर दें तो यहाँ से रिमूव भी हो जाए, ठीक है ना, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे रिमूव उसको तो ये मल्टीपल टाइम पे ऐड होता जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इनपुट टास्क की वैल्यू को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देना, इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। दोबारा देखते हैं, तो इस बार जब हम क्लिक करेंगे देखो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्लिक करेंगे देखो अगेन ये रिमूव कर गया यहां से। तो इस तरीके से आप एक टास्क लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो देन हम चाहते हैं कि जब हम ऐड कर सकते हैं इसको, तो हम डिलीट भी कर पाए, राइट। अब डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक बटन यहां पे ऐड करना चाहते हैं डिलीट का, जिससे जब हम क्लिक करें तो वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज को, ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक डिफरेंट फंक्शन यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम टास्क लिस्ट को टारगेट कर चुके हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि जब भी टास्क लिस्ट में क्लिक होगा, ऑन क्लिक, तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि इवेंट प्रोपोगेशन क्या होती है। तो जब क्या होता है, देखो अगर आप किसी पेरेंट पे इवेंट लगाते हो, राइट, तो उसके चाइल्ड्स पे उसका इफेक्ट आता है, मतलब अगर आपने पेरेंट पे इवेंट लगा दिया तो हम चाइल्ड से भी उसको चला सकते हैं, ये मतलब है इसका, राइट। तो हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, टास्क लिस्ट पे हमने ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। बट हम ये नहीं चाहते कि हर जगह क्लिक करने पे चले वो, तो हम पर्टिकुलर पे ही इसको चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कंडीशन लगा लेंगे यहाँ पे, इफ अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, लेट्स सपोज टैग नेम हमने दे दिया, अगर टैग नेम जो है वो इक्वल टू लिस्ट आइटम है, तो हम चाहते हैं कि ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिमूव। तो अगर हम चेक करें दोबारा, क्लिक करने पे रिमूव हो जाएगा, देखो है ना, और अगर आप कहीं और क्लिक कर रहे हो फिर ये रिमूव नहीं होगा, यहां पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐड करके भी देखते हैं एक बार, ये हमने ऐड कर दिया, क्लिक करेंगे दोबारा तो रिमूव हो रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप ऑन डबल क्लिक पे भी इवेंट चला सकते हो, जब हम चेक करेंगे इसको, हम डबल क्लिक करेंगे तो डिलीट होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत आप सीएसएस इसमें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अभी हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट में ही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अलाई को टारगेट कर रहे हो, तो हम यूजर सेलेक्ट नन कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हैं, राइट। तो आई होप यार आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सपोर्ट करो हमें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।